तो सुना आपने, पहाड़ पर पुष्कर राज पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो बड़ा आसान नहीं था। तमाम वरिष्ठ नेताओं के रूठ जाने की खबर भी आई, लेकिन एक युवा चेहरा जो काम करता है, अपने से बड़ों का आशीर्वाद जब लेने जाता है तो कहीं ना कहीं वो दूरियां मिट जाती हैं। वो चाहे बीसी खंडूरी रहे हो, वो चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हो, वो चाहे तीरथ सिंह रावत रहे हो, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, हरक सिंह रावत, सबको एक माले में पिरोने के लिए पुष्कर सिंह धामी ने सुबह से ही कमर कस ली थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अशोक कुमार जुड़ गए। अशोक, कि पहला टिक टैक आपने किया, भले वो बहुत छोटा सा हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री जी साहब से भीड़ उनके पास लग रही है, वो आपको बाहर आने के लिए कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन के न्यूज की तरफ से आपने बधाई दी। पहाड़ पर पुष्कर राज आ गया है, पुष्कर सिंह धामी 11वें सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। आपको बता दें 10 मार्च को उत्तराखंड की सियासत में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत ने शपथ ले ली थी। उसके बाद 2 जुलाई को तीरथ सिंह रावत के हटने की खबर आती है और कल 3 जुलाई को पुष्कर सिंह धामी का नाम फाइनल होता है। उसके बाद आज वो लगभग 5:15 बजे शपथ लेते हैं और ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया है हमारे सहयोगी अशोक कुमार ने, वो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। जिस तरह से लगातार के न्यूज पल पल की अपडेट आपको दे रहा था पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण पे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण पे, उस पर सबसे पहले मीडिया से मुखातिब होने से पहले हमारे संवाददाता अशोक कुमार ने मुख्यमंत्री के पास गए और उन्हें के न्यूज की तरफ से बधाई दी है। सीधी तस्वीर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं और इसी खबर पर हमारे साथ अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। अशोक, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही सीएम से मुलाकात करी और उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जिसमें वो आपको आप उन्हें बधाई दे रहे हैं के न्यूज की तरफ से और उन्होंने बताया कि हम काम कैसे करेंगे। बिल्कुल, देखिए विशाल, जिस तरह से जब वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली, शपथ के दौरान हम उनके बाद हमने पूरी पूरी कोशिश की कि आगामी रणनीति किस तरह से उनकी रहने वाली है, क्योंकि अब राज्य के हाथ में एक युवा मुख्यमंत्री के है जो कि पुष्कर सिंह धामी, उनके हाथों में कमान सौंपी गई है। भाजपा ने जो दांव लगाया है अब वो एक युवा मुख्यमंत्री पर लगाया है, तो इसको लेकर अब युवा मुख्यमंत्री किस तरह से रणनीति बनाते हैं वो कहीं ना कहीं देखने वाली थी। क्योंकि जो हम युवाओं की बात करें तो जिस दौरान जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो युवाओं में काफी उत्साह देखा गया, काफी जोश देखा गया और इसको लेकर खुद उन्होंने भी पुष्कर सिंह धामी ने ये बात की है कि अब रोजगार के अवसर खोले जाएंगे, यानी कि युवाओं यानी कि जो पूर्व में 4.5 साल के पीछे भी कार्यकाल की बात करें जिस तरह से युवा नाराज कहीं ना कहीं चल रहे थे, अब पुष्कर सिंह धामी के आने से उनकी कहीं ना कहीं एक आस यानी कि एक उम्मीद रखी है ये यहाँ पर कहा जा सकता है और रोजगार के अवसर खोले जाएंगे। जिस तरह से बड़ी संख्या में रोजगार की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, बेरोजगारी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बेरोजगारी उत्तराखंड राज्य में अधिक हो गई है, साथ में पायदान पर उत्तराखंड राज्य यहाँ पर आ गए, तो उसको किस तरह से कम किया जा सके यह हिस्सा ये प्राथमिकता अब पुष्कर सिंह धामी की रहने वाली है। और इसके बाद अब कैबिनेट बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और यहाँ पर इसको महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। किस तरह से ऐसा प्रयास लगाए जा रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि रोजगार को लेकर भी युवा को लेकर भी यह बैठक में चर्चा हो सकती है और कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री द्वारा लिया जा सकता है और कैबिनेट उस पर अपनी मोहर भी लगा सकता है। जी विशाल, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका। पुष्कर सिंह धामी 11वें सीएम के तौर ये लाइव नहीं चला,
सिंह धामी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, सीधे चलते हैं उनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले तो के न्यूज इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद, जनता की सेवा करेंगे बस। पुष्कर सिंह धामी जी इस वक्त मेरे साथ, पुष्कर सिंह धामी ने 11वें सीएम के तौर पर शपथ ली है। हमारे संवाददाता अशोक कुमार ने, अशोक कुमार ने उन्हें के न्यूज इंडिया की तरफ से बधाई दी है और सीएम ने बताया है कि हर चुनौती को स्वीकार किया जाएगा।